हेलो नमस्कार, बिंदु मार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। इसमें बोला गया है कि अतिथि शिक्षकों की बात सरकार के अधिकारियों से हुई है, ठीक है, तो उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्दी अतिथि शिक्षकों के हित में फैसला लिया जाएगा और नियमितीकरण किया जाएगा। और जो अतिथि शिक्षक किसी कारणवश बाहर हो गए उनको पुनः नियुक्त किया जाएगा, उनका भी भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। सरकार के नुमाइंदों से बात हुई है केसी पवार जी की, ने स्पष्ट किया है कि सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है और अच्छे संकेत मिल रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जल्दी नियमित हो सकेंगे। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा और एक लाइव वार्ता भी दिखाने वाला हूँ जो नेशनल मीडिया पर वार्ता हुई है केसी पवार जी की और सिंगर साहब की। कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया था। जिंदगी के 15, 16, 17, 18, 20 साल जिन्होंने दे दिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को अतिथि शिक्षक के रूप में, अब जैसे जैसे नई भर्ती होती जा रही है वैसे वैसे उन्हें उन्हें अपने उस पद से मुक्त किया जा रहा है। इतने साल देने के बाद क्या बच्चा कुचा करियर उनका उसी डिपार्टमेंट में संभव नहीं था? यह एक बहुत बड़ा विषय है, इसे हमने याद हो जब उठाया होगा। बहुत दिनों से हमने देखा, जरूरी नहीं कि हर वर्ग हो, हर तबका हो, वो भोपाल में जाए, वहां पर चक्का जाम करें, आंदोलन करें अपनी बात मनवाने के लिए। क्योंकि कई बार किसी शायर ने कहा है कि जहनों में जंग जारी है जिसका कोई ऐलान नहीं। तो आज हम फिर से मुखातिब हैं अतिथि शिक्षक संघ के उन तमाम लोगों के साथ में, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से, अलग अलग हिस्सों से वो तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संबल देने में निकाल दिया। अब उनसे ऐसे नाता तोड़ा जा रहा है जैसे कोई मतलब ही ना हो। तो इसी बात को हम कोशिश करने के लिए दिलपिटा प्लेटफॉर्म है कि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दिलपिटा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम भूलते नहीं। कुछ भी हो जाए हमारी कोशिश ये होती है कि जो बात है वो कम से कम सरकार तक पहुंचे जरूर, सरकार को याद आए कि अतिथि शिक्षक जो इतनी बड़ी तादाद में लगभग 2 लाख के आसपास अतिथि शिक्षकों के साथ जो सरकार का सलूक है वो कैसा है, उनके मन में आज भी भावना क्या है और उनकी आज भी तकलीफ क्या है, ये तकलीफ बयान होनी चाहिए। सबसे पहले मैं रुख करूंगा केसी पवार साहब का। पवार साहब अध्यक्ष रहे हैं इस पूरे आंदोलन की, उन्होंने नुमाइंदगी की है। पवार साहब नमस्कार, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जी आप वो माइक को अनम्यूट कर दिए, MIC जो लिखा है माइक उसको एक बार टच कर दीजिए तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। हेलो, आवाज आ रही संगर जी? बिल्कुल आ रही पवार साहब। पवार साहब वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या हालात है अतिथि शिक्षकों के लिए? कहीं कुछ घोषणा, कहीं कुछ सोच रही है सरकार, कहीं कोई संकेत मिलते हैं आपको? अभी तो सेंगर जी ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जैसे चुनावी तो सरगर्मियां बढ़ रही हैं, हमारे बारे में सरकार के द्वारा नरम रूप अपनाया जा रहा है। पहले जो बयानबाजी हमें लेकर होती थी कि ये अतिथि है, इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है, वैसे हमारे तरफ रुख नरम हो रहा है। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मुख्य आदरणीय हैं कि हम नीति बनाकर आप सोच रहे हैं आपके बारे में और शीघ्र ही जैसे अन्य विभागों के कर्मचारियों की। अच्छा, तो यानी सरकार की तरफ से इस तरह का रुख है कि जी जी जो सरकार के माध्यम है जिन्हें कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नियुक्त किए गए हैं उनसे हमारा संपर्क हो रहा है जी, और जी। उनके तो आपको ऐसे संकेत भोपाल से मिले हैं किस तरह जी हाँ, भोपाल से मिले हैं? सरकार ने जिन्हें नियुक्त किए गए हैं कर्मचारी और सरकार की भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके माध्यम से मिले हैं। अभी हम 2 दिन भोपाल लेकर पूरी आजाद टीम लौटी है और सारी हमारी चर्चाएं हुई है, अतः हमें भी पूर्ण विश्वास है कि पिछली गलतियां ना करते हुए सरकार हमें शीघ्र बुलाएगी और हमारी जो पद स्थायित्व की बात है, नियमितीकरण की बात है, वो पूरी होंगी। तो बहुत अच्छे संकेत है अगर सरकार से सुने, क्योंकि हमारी भी कोशिश यही है कि कम से कम सरकार सुने, क्योंकि वरना ये इस साल भी अगर अनसुनी हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि कभी कभी सुनवाई होगी इसकी। दर्शकों को हम हमेशा बताते आए हैं
कि आखिर बर्फों को एक बार फिर याद दिला दे, वो आप ही का मसला था, अतिथि शिक्षकों का ही मसला था, जिसके ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया था कि सड़कों पर उतरना होगा, कमलनाथ के मुंह से निकल जाता है कि उस पर सड़क पर उतर ही जाइए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी गुस्से में कांग्रेस छोड़ देते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। बार बार याद दिलाना इसलिए जरूरी होता है कि कम से कम नेता इसी लालच में आप लोगों को नियमित कर दे। परंतु सर हमारे विषय में ऐसा कुछ नहीं हुआ, आदरणीय सिंधिया जी ने हमारी बात उठाई और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान के जो कमलनाथ जी से उनकी तनातनी हुई और उन्होंने कहा कि भाई रोड पे उतरना है तो उतर जाए, परंतु सिंधिया जी रोड पे उतरने की बजाय मंत्री बन गए और हम अतिथि शिक्षक आज भी रोड पर ही है। तो ये बातें माननीय बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के मुद्दे पर हमने पुनः सरकार बनाई है उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए, और हमें 12 माह का सेवाकाल और 62 वर्ष की उम्र तक का स्थायित्व प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, सेवाकाल और स्थायित्व प्रदान करना चाहिए। पवार साहब तमाम जगहों से, अलग अलग जिलों से हमारे साथ आप ही के साथ ही जुड़े हैं। सादिक खान जी हरदा जिले से हमारे साथ में जुड़े हैं। खान साहब वहाँ क्या स्थिति, क्या हालात है, आपने कितने साल वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं इस डिपार्टमेंट को, और वर्तमान क्या स्थिति, क्या नए पुराने जो है उनको हटाया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को, क्या हालात है सादिक खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, मैं विगत 14 वर्षों से एक ही स्कूल में कार्य कर रहा हूँ और अभी बीच में हम लोगों को हटा दिया गया था, इसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया और अभी वर्तमान में सर जो इस सत्र में भर्तियां हुई है वर्ग 3 में, इससे हमारे काफी लोग बाहर हो गए हैं, जिन्होंने 10 साल 12 साल जिन्होंने समय दिया था वो हमारे लोग बाहर हो चुके हैं। तो एक ही मांग है हमारी कि जो लोग बाहर हो चुके हैं या फिर किसी प्रकार से उनको समय मौका नहीं मिला है, सरकार उनको भी, उनके लिए भी कोई नीति बना के उनको भी सेवा में लाने का मौका दे। जी जी तो पवार साहब हमारे साथ जुड़े, पवार साहब जो संकेत मिलते हैं वो क्या कहते हैं कि जो लोग बाहर हो चुके हैं क्या उनको भी वापस से फिर से लाने के लिए सरकार कोई नीति बना सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जब चर्चा हुई है सरकार के जो माध्यम है उनके सामने हम ये पक्ष बिल्कुल रखा है कि जो लोग वर्तमान में दस्त है वो भी, और जो हमारे किसी कारण बस ट्रांसफर के कारण पद न होने के कारण बाहर हो चुके हैं, सेवा में लेकर एक ऐसा केडर और एक ऐसा केडर ऐसे हम सभी साथियों को भला हो सके और सारे शिक्षक हमारे कार्य के आधार पर नियमित होता है।